खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत दो युवक जो कि आपस में रिश्तेदार हैं के अंतरजातीय विवाह करने के बाद उनका सामाजिक बहिष्कार किए जाने का एक मामला सामने आया है। वहीं दोनों युवक आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ लोगों द्वारा उन्हें परेशान किए जाने और सामाजिक बहिष्कार के नाम पर रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा। मामले की जानकारी के अनुसार जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत पौड़ी ग्राम में रहने वाले राजेश प्रजापति और उसके एक रिश्तेदार ने आपस में रिश्तेदार लगने वाली दो युवतियों के साथ अंतरजातीय विवाह किया, जिसके बाद समाज के ही कुछ लोगों द्वारा इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। वहीं इनसे भागवत कथा कराने और भोज कराने की भी मांग की गई, जिसको इन्होंने पूरा किया। लेकिन उसके बाद समाज के कुछ लोगों द्वारा इनसे लगातार पैसे की मांग की जा रही है, जिसके बाद ये आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। क्या है, क्या परेशानी है? यही है कि हम छोटी जाति के हैं, एससी में आते हैं तो हमसे छुआछूत मानते हैं। हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमें अपमानित करते हैं। यहाँ हमारे साथ रह नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हमें छू नहीं सकते हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी यही कहते हैं कि तुम हमारे बच्चों के साथ खेल कूद नहीं सकते, पढ़ लिख नहीं सकते हो। यही गाँव के कुछ दो तीन लोग हैं और दो तीन लोग पन्ना जिला से हैं, मतलब हमारे रिलेशनशिप में आते हैं। यहाँ हमने शादी की, उन्हीं के रिलेशनशिप के हैं, तो वही लोग हैं जो परेशान करते हैं। गांव में रहने नहीं देते, बोलते हैं यहाँ से चले जाओ। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं? उन्होंने जो बोला था कि भागवत कराओ, पैसा जमा करो, वो सब कर दिया है। उसके बाद अब बोलते हैं दोबारा करो, तो वैसे बार बार कैसे कर पाएंगे? कितना पैसा जमा करने की बात आ रही है? 2 लाख रुपये। अभी क्या क्या शर्तें रखी उन्होंने? 2 लाख रुपये देना है और फिर से 5-6 हज़ार लोगों को खाना पीना खिलाना है। कब शादी की थी आपने? 2015 में। किससे की थी शादी? राजेश प्रजापति। कितने बच्चे हैं आपके? 1 साल का। 5 साल का है, अनुज प्रजापति नाम है। खास लोग कौन है जो दबाव बना रहे हैं? कौन दबाव बना रहा है आप लोगों के ऊपर? एक नहीं है, 6-7 लोग हैं। नाम दे दिया है हमने, 6-7 लोग हैं। दरअसल पौड़ी वर्धा से एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें सामाजिक बहिष्कार की बात सामने आई हुई है। मसला ये है कि गांव के राजेश प्रजापति ने गांव की ही एक ज्योति अठिया, जो कि एससी समाज से है, अंतरजातीय विवाह कर लिया था। क्योंकि सामाजिक कुछ कुरूतियां हमारे यहां भी आज भी प्रचलन में है, जिसके चलते सामान्य तौर पर ज्योति अठिया के लिए राजेश प्रजापति के परिजन और रिश्तेदार स्वीकार नहीं कर रहे थे। विवाह के लगभग 3 से 4 साल हो जाने के बावजूद भी उन पर इस तरह की शर्तें निरूपित की गई कि आप 5,000 लोगों को खाना खिलाइए, भागवत कथा कराइए। आधी शर्त इनके द्वारा पूरी कर दी गई, भागवत कथा का वाचन करवा दिया गया, जिसमें स्थानीय विधायक टी एल तंतुवाई भी गए हुए थे। अब नवीन तरह की शर्तें निरूपित की जा रही हैं कि आप समाज को 2 लाख रुपये दान में दो और लगभग 5,000 लोगों के लिए खाना खिलाएं, अन्यथा आपको समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनके बच्चों के लिए हे दृष्टि से देखा जा रहा है, समाज में इनके लिए घुसने की अनुमति नहीं है, गाँव में इनके लिए असम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसी चीज़ की शिकायत लेकर के हम पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने आए हुए थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें संपूर्ण तरीके से सुनने के उपरांत यथासंभव आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इन दोनों के जीवन के अलावा दंपत्ति के अलावा बच्चों पर भी सीधा? देखिए, दंपत्ति का जो जीवन था उसका सीधा सीधा असर इनके बच्चों पर निश्चित तौर पर पड़ रहा है। जिस जहाँ पर भी ये जा रहे हैं, उनके बच्चों को ये बताया जा रहा है समाज के अन्य लोगों के द्वारा कि आपके जो पिता है वो किसी अन्य जाति के हैं, माता जो है वो किसी अन्य जाति के हैं। इस तरह से निश्चित तो निश्चित सी बात है कि बालकों के लिए भी हे दृष्टि से देखा जा रहा है। स्कूल में कुछ मामला आया है? देखिए, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बच्चों के द्वारा ये टीस किया जाता है कि आपके माता पिता ने अंतरजातीय विवाह किया था, और इस बात को उनके लिए अभी से दिमाग में डाला जा रहा है। निश्चित सी बात है कि बच्चों पर नकारात्मक असर तो पड़ रहा है इस मामले में। क्या नाम लिखते हैं?
आपका नाम? मनीष नगाई। थैंक यू। सामाजिक बहिष्कार की बात करें, ये अभी एक आवेदन आया है राजेश प्रजापति ग्राम पौड़ी थाना मड़ियादो का। उसने उपस्थित होकर के कहा कि मैंने 7-8 साल पहले अंतरजातीय विवाह किया था और उसको लेकर के समाज की परंपरा के अनुसार हमने जो भी खाना वाना खिलाना वो सब करा दिया था। अब फिर कुछ लोग जो है उसकी मांग कर रहे हैं, तो चूंकि ये पुरानी घटना है 7-8 साल पहले की, अब पुनः आवेदन दिया है हमने, इसको परीक्षण पुलिस से करा रहे हैं। और अगर ऐसा है कि उनको इस मुद्दे को लेकर के अगर कोई समाज के लोग परेशान कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो क्या मानते हैं कि तो अब वो चूँकि 7-8 साल पहले हुआ था, अब मुद्दा कहाँ से उठ रहा है ये एक जाँच का विषय है। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं।